हेलो माय डियर स्टूडेंट्स, गुड मॉर्निंग ऑल ऑफ यू। नमस्ते बेटियों, हमेशा खुश रहिए, मुस्कुराते रहिए, खूब पढ़िए लिखिए, तरक्की कीजिए और अपना, अपने माँ बाप का, अपनी यूनिवर्सिटी का और देश का नाम रोशन कीजिए। माई सेल्फ JPN पुष्पेंद्र भारद्वाज, असिस्टेंट प्रोफेसर, डिपार्टमेंट ऑफ एजुकेशन, ज्योति विद्यापीठ वुमेंस यूनिवर्सिटी जयपुर। Today we will discuss on objectives of the monetary policy of India. इससे पहले हमने मीनिंग के ऊपर डिस्कस किया था, मॉनेटरी पॉलिसी के डेफिनेशंस के ऊपर डिस्कस किया, तो ऑब्जेक्टिव्स के ऊपर डिस्कस करते हैं। फर्स्ट ऑब्जेक्टिव इज प्राइज स्टेबिलिटी। प्राइज स्टेबिलिटी इम्प्लाइज प्रमोटिंग इकोनॉमिक डेवलपमेंट विद कंसिडरेबल एम्फेसाइज ऑन प्राइज स्टेबिलिटी। The central of focus is to be facilitate the environment which is favorable to the architecture that enable the developmental projects to run swiftly while also maintaining reasonable price stability. सबसे पहला ऑब्जेक्टिव है मॉनेटरी पॉलिसी का इंडिया में, कि जो सेंट्रल बैंक है मॉनेटरी पॉलिसी का यूज करके मार्केट में जो प्राइज स्टेबिलिटी है, प्राइज स्टेबिलिटी मतलब ऐसा कि मार्केट में प्राइज आए दिन इंक्रीज नहीं होने चाहिए, आए दिन डिक्रीज नहीं होने चाहिए। प्राइज स्टेबिलिटी, जैसे मैं आज बोलूँ मार्केट में सब्जियों की रेट इंक्रीज रोज़ दमादम इंक्रीज होते जाते हैं, तो उन सबको कंट्रोल करने का भी काम प्राइज स्टेबिलिटी का, मतलब ना प्राइज ज़्यादा होनी चाहिए। तो प्राइज स्टेबिलिटी का कंट्रोल करने की, मार्केट में इन्फ्लेशन कैसे, ऐसा नहीं है कि मार्केट में आए दिन प्राइजेज बढ़ते जा रहे, ऐसा भी नहीं होना चाहिए। और मार्केट में ऐसा भी नहीं होना चाहिए कि मार्केट में हर चीज़ की प्राइजेज डाउन होते जा रहे, तो ऐसा नहीं होना चाहिए। प्राइज स्टेबिलिटी जिस लेवल पर प्राइज है उसी लेवल पर बने रहने चाहिए, इसका काम सबसे इम्पोर्टेंट काम होता है ये रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया, सेंट्रल बैंक का प्राइज स्टेबिलिटी का। ठीक है बच्चों, सेकेंड ऑब्जेक्टिव इज कंट्रोल एक्सपेंशन ऑफ बैंक क्रेडिट। वन ऑफ द इम्पोर्टेंट फंक्शन ऑफ RBI इज द कंट्रोल एक्सपेंशन ऑफ बैंक क्रेडिट एंड मनी सप्लाई विद स्पेशल अटेंशन टू सीजनल रिक्वायरमेंट्स फॉर क्रेडिट विदाउट अफेक्टिंग द आउटपुट्स। जो सेकेंड ऑब्जेक्टिव है, मार्केट में क्रेडिट कंट्रोल करना होता है। मार्केट में ऐसा नहीं है कि एकदम मनी की सप्लाई ज़्यादा हो जाए, मनी की सप्लाई एकदम कम हो जाए। अगर मनी की सप्लाई मार्केट में ज़्यादा हो जाएगी तो एकदम से मार्केट में डिमांड इंक्रीज हो जाएगी। अगर डिमांड इंक्रीज हो जाएगी तो मार्केट में सप्लाई कम रहेगी, हो जाएगी, और सप्लाई कम होने की कंडीशन मार्केट में प्राइजेज इंक्रीज होने लग जाएंगे। और अगर मार्केट में एकदम से सप्लाई अगर कम हो जाती है, मनी की सप्लाई बैंक क्रेडिट का अगर कम हो जाता है एकदम से, तो वो मार्केट में डिमांड को कम कर देगा, मार्केट में सप्लाई ज़्यादा होगी, इट्स मीन्स जो गुड्स एंड सर्विसेज है वो बहुत सस्ते हो जाएंगे। तो दोनों कंडीशंस में हमारे दोनों चीज़ें हमारी इकोनॉमी के लिए ख़राब होती है, इकोनॉमी को ब्रस्ट कर देती है, ख़त्म करने की कोशिश करती है, जिसमें इन्फ्लेशन, डिफ्लेशन ये सारी चीज़ें होती है। तो मार्केट में एक्सपेंशंस को कंट्रोल करने का काम, बैंक की क्रेडिट को कंट्रोल करने का काम RBI का होता है मॉनेटरी पॉलिसी के थ्रू। सेकंड ऑब्जेक्टिव कंप्लीट। नाउ थर्ड ऑब्जेक्टिव इज प्रमोशन ऑफ फिक्स इन्वेस्टमेंट। प्रमोट करते हैं फिक्स इन्वेस्टमेंट, ऐसे इन्वेस्टमेंट जो फिक्स है, मार्केट में ज़्यादा इन्फ्लुएंसेस नहीं लाए, उतार चढ़ाव मार्केट में नहीं हो, ऐसे इन्वेस्टमेंट को प्रमोट करता है ताकि मार्केट में स्टेबिलिटी बनाए रहे, एकदम भूकंप जैसा नहीं मचे। जैसे कि आपने BRS बुलिश मार्केट में स्टॉक एक्सचेंज में सुने होंगे, लोग एकदम से मार्केट से जब पैसा निकालते हैं फॉरेनर इन्वेस्टमेंट, तो मार्केट से पैसा निकलने के बाद मार्केट धड़ाम से नीचे आता है, स्टॉक एक्सचेंज की जो अंक्स होते हैं वो गिर जाते हैं, और फिर इस तरीके से इन्वेस्टमेंट एकदम से बढ़ता है तो मार्केट एकदम से चढ़ जाता है। तो ये सारी चीज़ें गलत होती है। फिक्स इन्वेस्टमेंट बने रहना, इन्वेस्टमेंट बना रहता है तो हमारी इकोनॉमी के लिए अच्छा रहता है। द एम हेयर इज टू इंक्रीज द प्रोडक्टिविटी ऑफ इन्वेस्टमेंट बाय रेस्ट्रेनिंग द नॉन एसेंशियल फिक्स इन्वेस्टमेंट। ठीक है बच्चों, नाउ फोर्थ ऑब्जेक्टिव रिस्ट्रिक्शन ऑफ इन्वेंट्रीज। ओवरफिलिंग ऑफ स्टॉक एंड प्रोडक्ट्स बिकमिंग आउटडेटेड ड्यू टू एक्सेस ऑफ स्टॉक ऑफ्टन रिजल्ट इज सिकनेस ऑफ द यूनिट
अवॉइड द प्रॉब्लम द सेंट्रल मॉनेटरी अथॉरिटी कैरीज आउट द एसेंशियल फंक्शन टू रिस्ट्रिक्टिंग द इन्वेंट्री द मेन ऑब्जेक्टिव ऑफ दिस पॉलिसी टू अवॉइड ओवर स्टॉकिंग एंड आइडियल मनी इन ऑर्गेनाइजेशन। तो RBI क्या करता है, स्टॉक कर लेते हैं लोग, ओवर स्टॉक कर लेते हैं, फिर बाद में उस प्राइजेज मतलब देखो मार्केट में सप्लाई है, मार्केट में खूब अच्छे से सप्लाई होने होती है, तो लोग उस सप्लाई को अपने पास स्टॉक करते जाते जो बिजनेसमैन होते हैं स्टॉक कर लेते हैं। तो मार्केट में सप्लाई की कमी हो जाती है प्रोडक्ट्स की, तो मार्केट में सप्लाई की जब कमी हो, मार्केट में प्रोडक्ट्स की जब कमी हो गई, तो मार्केट में प्राइजेज बढ़ जाएंगे, तब उस बढ़े हुए प्राइजेज पर उस स्टॉक जो उन्होंने स्टॉक कर रखा है गुड्स सर्विसेज का, गुड्स का, तो उसको वो इंक्रीज उनको निकालेंगे और अपने मार्केट में बेनिफिट्स मुनाफा कमाएंगे। तो ये चीज़ गलत है, जिसे कि अपन काला बाजारी कहते हैं, ब्लैक मार्केट के नाम से जानते हैं, जिसे वो नहीं होनी चाहिए। इसको कंट्रोल करने का रिस्ट्रिक्शन करता है इन्वेंट्रीज पर RBI मॉनेटरी पॉलिसी के थ्रू। अब नेक्स्ट ऑब्जेक्टिव इज प्रमोशन ऑफ एक्सपोर्ट एंड फूड प्रोक्योरमेंट ऑपरेशंस। मॉनेटरी पॉलिसी पे स्पेशल अटेंशन इन ऑर्डर टू बूस्ट एक्सपोर्ट एंड फैसिलिटेट द ट्रेड। इट इज़ एन इंडिपेंडेंट ऑब्जेक्टिव ऑफ मॉनेटरी पॉलिसी। मॉनेटरी पॉलिसी का एक ऑब्जेक्टिव, इंडिपेंडेंट ऑब्जेक्टिव है प्रमोट द एक्सपोर्ट, एक्सपोर्ट को प्रमोट करने का काम करता है। फूड्स प्रोक्योरमेंट ऑपरेशंस होते हैं उनको प्रमोट करने का काम होता है। नेक्स्ट ऑब्जेक्टिव इज डिजायर्ड डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ क्रेडिट। मॉनेटरी अथॉरिटी हैज़ कंट्रोल ओवर द डिसीजन रिगार्डिंग द एलोकेशन ऑफ क्रेडिट टू प्रायोरिटी सेक्टर एंड स्मॉल बोरोवर्स। दिस पॉलिसी डिसाइड्स ओवर द स्पेसिफाइड परसेंटेज ऑफ क्रेडिट दैट इज टू बी एलोकेटेड टू प्रायोरिटी सेक्टर एंड स्मॉल बोरोवर्स। डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ क्रेडिट, ये RBI का मॉनेटरी पॉलिसी जो क्रेडिट है उसका डिस्ट्रीब्यूशन राशनिंग के थ्रू, मतलब ऐसा नहीं है कि एक ही पूरा का पूरा पैसा बड़े सेक्टर्स में लगा दिया जाए, ऐसा भी नहीं है। ऐसा नहीं है कि पूरा पूरा एक ही सेक्टर में लगा दिया, जैसे इंडस्ट्रियल सेक्टर में लगा दिया तो अदर सेक्टर के ऊपर गलत इम्पेक्ट जाएगा, वो बंद हो जाएगा, वो बिल्कुल भ्रष्ट हो जाएगा और बंद होने की कगार पर हो जाएगा। इस वजह से मार्केट में प्रॉपर डिस्ट्रीब्यूशन होना चाहिए क्रेडिट का, कि सबको बराबर से मिले और सब बराबर से अपने अपने ग्रो जो गोल्स हैं उनको अचीव करें। इस ऐसा नेक्स्ट इज इक्विटेबल डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ क्रेडिट। द पॉलिसी ऑफ रिजर्व बैंक एम्स इक्विटेबल डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ ऑल सेक्टर ऑफ द इकोनॉमी एंड ऑल सोशल एंड इकोनॉमिक क्लास ऑफ पीपल। तो जो इकोनॉमिक, जैसे कि गरीब लोगों के भी बराबर पास पैसा रहे, मीडियम फैमिलीज हैं उनके पास भी, और रिचर फैमिली, सबके पास डिस्ट्रीब्यूशन हो रहा है क्रेडिट का, इक्विटेबल डिस्ट्रीब्यूशन होना चाहिए ताकि लोग अपनी ज़रूरतों को इजीली पूरा कर सके, मार्केट में ज़्यादा भगदड़ ना मचे, डिमांड की एकदम से डिमांड भी नहीं बढ़े, ना ही एकदम से सप्लाई बढ़े, ना ही एकदम से सप्लाई कम हो, ना एकदम से डिमांड कम हो। नेक्स्ट इज टू प्रमोट एफिशिएंसी। इट इज़ अनदर एसेंशियल aspects वेयर द सेंट्रल बैंक पे ए lot ऑफ अटेंशन। इट tries टू इंक्रीज द efficiency इन द financial सिस्टम एंड tries टू incorporate स्ट्रक्चर चेंज सच एज deregulating इंटरेस्ट rates, ease operational constraints इन द क्रेडिट डिलीवरी सिस्टम टू इंट्रोड्यूस न्यू मनी मार्केट इंस्ट्रूमेंट एटसेट्रा। एफिशिएंसी को प्रमोट करना भी एक इस रिजर्व बैंक है, सेंट्रल बैंक का एक एसेंशियल एस्पेक्ट्स होता है, उस पर बहुत ज़्यादा ध्यान देता है ताकि फाइनेंशियल सिस्टम होता है उसमें एफिशिएंसी इंक्रीज हो सके उसकी, और वो ट्राई करता है इनकॉर्पोरेट स्ट्रक्चरल चेंजेस ज़्यादा नहीं हो और डीरेगुलेटिंग इंटरेस्ट रेट कम रहे और ऑपरेशनल कंस्ट्रेंट और द क्रेडिट डिलीवरी सिस्टम टू इंट्रोड्यूस न्यू मनी मार्केट इंस्ट्रूमेंट्स। इन सब पर जैसे कि नए मनी मार्केट सिस्टम है उन पर भी नए मार्केट में आ सके, और डेप्ट डिस्ट्रीब्यूशन जो सिस्टम है उसमें और उसके ऑपरेटिंग में किसी तरीके की कोई प्रॉब्लम नहीं आए, और जो ब्याज दर है इंटरेस्ट रेट है वो भी उसको कम बनाए रख सके। ये सब इंस्ट्रूमेंट्स, ये सब काम रेगुलेट होते हैं एफिशिएंसी, प्रमोट एफिशिएंसी के थ्रू। तो ये बैंक, सेंट्रल बैंक मॉनेटरी पॉलिसी के थ्रू ये भी काम करते हैं रिड्यूसिंग। नेक्स्ट ऑब्जेक्टिव इज रिड्यूसिंग द रिजिडिटी। RBI ट्राइज टू ब्रिंग अबाउट द फ्लेक्सिबिलिटीज इन द ऑपरेशंस
विच प्रोवाइड ए कंसिडरेबल ऑटोनॉमी। कंसिडरेबल ऑटोनॉमी प्रोवाइड करवाता है, ऑपरेशंस को फ्लेक्सिबिलिटी प्रोवाइड करवाता है। इट एनकरेज मोर कॉम्पिटिटिव इन्वायरमेंट एंड डाइवर्सिफिकेशन। डाइवर्सिफिकेशन प्रोवाइड करवाता है, कॉम्पिटिटिव जो इन्वायरमेंट है उसको भी प्रमोट करते हैं, एनकरेज करती है ये। इट मेंटेन्स इट्स कंट्रोल ओवर फाइनेंशियल सिस्टम वेन एवर एंड वेयर एवर नेसेसरी टू मेंटेन द डिसिप्लिन एंड प्रूडेंस इन ऑपरेशंस ऑफ फाइनेंशियल सिस्टम। मार्केट में ऐसे तरीके से फाइनेंशियल सिस्टम हो, डिसिप्लिन होना चाहिए और इस तरीके से सब मेंटेन होना चाहिए, वो इसमें रेजिडिटी नहीं होनी चाहिए, संघर्ष नहीं होना चाहिए इस तरीके से। नेक्स्ट ऑब्जेक्टिव फिस्कल ऑब्जेक्टिव। द मोस्ट इम्पोर्टेंट फिस्कल ऑब्जेक्टिव विच मॉनेटरी पॉलिसी हैज़ टू परस्यू इज दैट ऑफ फैसिलिटिंग गवर्नमेंट बोरोविंग एंड द मैनेजमेंट ऑफ पब्लिक डेब्ट्स इन द इंटरेस्ट ऑफ साउंड डेब्ट मैनेजमेंट पॉलिसी। मॉनेटरी पॉलिसी इज एम्प्लॉयड सो दैट एन ऑर्डरली कंडीशन इन द सिक्योरिटी मार्केट इज एस्टैब्लिश्ड। इट इज़ टू बी रिमेंबर दैट here that is practiced both the fiscal and monetary policy objective are likely to be mixed up. In reality it become difficult to draw a line of demarcation of the one objective from that of another. फिजिकल ऑब्जेक्टिव में क्या होता है, मार्केट में डेप्ट्स की जो फैसिलिटीज़ हो सबके पास, इक्वल प्रॉपर्टीज, इक्वल डेप्ट्स की फैसिलिटीज़ प्रोवाइड हो, एक कम इंटरेस्ट रेट पर मार्केट में इंटरेस्ट रेट भी कम बना रहे, मार्केट में इंटरेस्ट रेट ज़्यादा नहीं हो जाए, इन सब के ऑब्जेक्टिव भी मॉनेटरी पॉलिसी के थ्रू फिजिकल ऑब्जेक्टिव कम्प्लीट होते हैं। और मार्केट में पब्लिक एक्सपेंडिचर भी बराबर हो और प्राइवेट एक्सपेंडिचर हो वो सब बराबर हो। नेक्स्ट इज सोशल ऑब्जेक्टिव। मॉनेटरी पॉलिसी इज ऑप्टन यूज टू अटेन सम सोशल एंड्स और सोशल वेलफेयर। बाई रेजिंग और लोअरिंग प्राइस लेवल मॉनेटरी पॉलिसी कैन प्रोड्यूस फार रीचिंग सोशल इफेक्ट्स ऑफ रीडिस्ट्रीब्यूशन ऑफ वेल्थ। वन ऑफ द मोस्ट इम्पोर्टेंट ऑब्जेक्टिव ऑफ द परस्यू द ऑफ मॉनेटरी स्टेबिलिटी इज टू मेंटेन द सोशल स्टेटस क्यो। दस मॉनेटरी पॉलिसी हैज वराइड ऑफ ऑब्जेक्टिव। सम ऑफ दीज ऑब्जेक्टिव आर कॉन्फ्लिक्टिंग एंड सम ऑफ दैम आर कंपेटेबल। इन द केस ऑफ कॉन्फ्लिक्टिंग ऑब्जेक्टिव वॉट इज नीडेड इज टू बी गिवन एंड गिव प्रायोरिटी टू द इमीडिएट और शॉर्ट टर्म प्रॉब्लम्स, बट दैट डज नॉट मीन दैट लॉन्ग रन प्रॉब्लम्स आर टू बी गिवन लेस इम्पोर्टेंस। दस द मॉनिटरी अथॉरिटी मस्ट make a choice and should aim at attaining an optimal combination so that the country's need are served better. Social objective मतलब लोगों के social welfare पे भी ध्यान देना, लोगों के price market में लोगों के medium level पर prices बने रहे, इतने भी नहीं हो कि लोग उस price level पर market से purchase नहीं कर सके, और इतना भी नहीं हो कि हर कुछ ही purchase कर ले। इस तरीके से market में लोगों की सब सारी फैसिलिटी interest rate पर ध्यान रखता है ये, market में price level पर ध्यान रखता है, market में money की भी इस पर ध्यान रखता है, तो इससे social objective भी fulfill होते हैं। तो बच्चों आज ही हमने डिस्कस किए ऑब्जेक्टिव ऑफ मॉनेटरी पॉलिसी ऑफ मनी, प्राइस स्टेबिलिटी, क्रेडिट कंट्रोल करना एंड फिक्स इन्वेस्टमेंट को बढ़ावा देना, और डिस्ट्रीब्यूशंस ऑफ क्रेडिट हो रहा है वो भी इम्प्रूव करना, एफिशिएंसी को प्रमोट करना, फिस्कल ऑब्जेक्टिव, सोशल ऑब्जेक्टिव, इन सब के ऊपर डिस्कस किया बच्चों। नेक्स्ट क्लास में कंटिन्यू रखते हैं बच्चों। थैंक यू सो मच। एंजॉय योर डे।